इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ नेहा। इस वक्त अपडेट की बात करें तो एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाओं की तारीख तय हो चुकी है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी कह चुके हैं कि परीक्षा हर हाल में ऑफलाइन ही कराई जाएगी। इस साल अब तक करीब 18 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं। एग्जाम कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही होंगे, लेकिन अगर किसी छात्र को कोरोना हो जाता है या परीक्षा के दौरान उसमें कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उन छात्रों का क्या होगा? एमपी बोर्ड ने अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि महाराष्ट्र में ऐसे छात्रों के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था की गई है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी कोरोना को देखते हुए बोर्ड ने कुछ अहम निर्णय लिए। बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 जनवरी को स्कूल बंद करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 1 फरवरी से दोबारा स्कूल खुल गए। स्कूल बंद होने से पहले तक प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों में ही 100 से ज्यादा स्कूली बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके थे। इसमें भोपाल में करीब 25, जबलपुर में 30 और इंदौर और ग्वालियर में भी इसी के आसपास बच्चे संक्रमित हुए थे। यह वह संख्या है जो जिला शिक्षा अधिकारी के पास है। इनमें उन बच्चों का ही रिपोर्ट रखा गया जो स्कूल खुलने के दौरान संक्रमित हुए। ये था अब तक अपडेट। लगातार छोटी सी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे वो इस फैमिली के साथ। जय हिंद, जय भारत।